गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 86 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है मेंटल मैथ्स। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनको आप मेंटली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला ए पार्ट है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए ये 80 है। फिर इसके बाद यहाँ पे किसका साइन लगाया है, माइनस का। फिर यहाँ पे 35 लिखा है, ठीक है ना। फिर इसके यहाँ सामने क्या लिखा है, इक्वल टू 45। मीन्स 85 में ये उसके उसके इस ये देखो साइन देखना है आपको, 80 माइनस 35। 80 में माइनस 35 करेंगे, 80 में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। इसी तरीके इधर इस वाले एरो पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 45, क्योंकि फिर किसका इस साइन है, प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 35 प्लस करना है, ठीक है ना। ऐसे ये क्रम चलेगा, आपको ध्यान देंगे, ये इस तरीके देखना है, ये ऐसे देखना है और इस तरीके देखना है आपको, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ था 45 और ये प्लस है 35, मीन्स 45 में क्या प्लस करना है, 35 प्लस करना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, तो 5 5 प्लस करोगे 10, कैरी 1 हो जाएगा, और 4 3 7, ये 3 है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 8। तो आंसर कितना है, 80। तो यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर भी 80 आएगा, ठीक। मीन्स जब कोई नंबर, जैसे 80 में 35 हमने माइनस किया तो 45 आया, ठीक है ना। और फिर हम 45 में 35 प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। तो इस तरीके से हम ये आंसर सीधे 80 ऐसे भी मेंटली रख सकते थे, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, तो किसी नंबर में मेंटली प्लस करना है, जैसे यहाँ पर 45 एंड 35 को प्लस करना है, तो 45 ये लिख लिया, 35 को क्या लिख दिया, 30 प्लस 5, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 45 में 30 कैसे प्लस करते हैं, 45 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 55। स्टेप में जाइए ना, काउंटिंग जैसे करते हैं, 55 इसमें 10 प्लस किया तो 55 आया, फिर 10 प्लस किया तो 65 आया, फिर 10 प्लस किया तो 75 आया, ठीक। अब 75 में 5 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें मेंटली प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी नंबर में सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके आंसर में, देखो 80 में हमने 35 को माइनस किया, 45 आया, ठीक है ना। उसके आंसर में वही नंबर प्लस कर देते हैं, 45 में फिर हमने 35 को प्लस किया तो आंसर कितना आएगा, जितने से हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, 80, ठीक है ना। ये देखो 80 है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। ये इसका बी पार्ट है, बी एंड सी पार्ट क्वेश्चन है, तो बी पार्ट पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे नंबर है 50, ओके, और यहाँ पे लिखा है 70, ये 50 लिखा है, ये नीचे 70, और इसके आंसर लिखा है 50, ठीक। तो 75 और यहाँ पे साइन किसका लगा है, देखो जिस एरो पे दो नंबर लिखो वहीं से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो 75 है और यहाँ माइनस का साइन है और इक्वल टू लिखा है 50, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 75 में 50 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके यहाँ 75 और 75 में 50 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो ये माइनस किया दे रहे हैं, 5 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 7 और 5 गया 2, तो आंसर कितना है, 25। तो इस सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, 25, ओके। अब ये देखो 75 में 25 को माइनस किया तो आंसर कितना है, 50, और यही 50 में क्या प्लस करना है, 25, ठीक है ना। जब सेम नंबर माइनस करते हैं और तो जितने उसके आंसर में सेम नंबर प्लस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, जितना हम सब्ट्रैक्ट करते थे या जितने से हम ऐड करते थे, तो 75 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो मेंटली सॉल्व हो गया, यहाँ पे 75 आ जाएगा, या 50 में 25 प्लस करोगे तो 75 आएगा, ओके। इसी तरीके ये 110 है, फिर यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो 110 में 60 माइनस करोगे तो 110 में 60 माइनस कर लो, ठीक। 100 में 10 माइनस करोगे तो 100 आएगा, फिर 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा, फिर 10 माइनस करोगे तो ऐसे ऐसे कैसे भी दे सकते हैं, या तो ऐसे कर लो, 0 में 0 चला, 0 बचेगा, 11 में 6 गया, कितना बचेगा, 5।
तो ये 50 कहाँ पे आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। 100 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है ना। और ये 50 है, 50 आंसर आया, और 50 के आंसर में हमने कितना प्लस किया, उसी में 60 प्लस कर दिया, जितना आंसर था उसी में 60 प्लस किया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस एक सर्कल के अंदर 110 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे, ये हमारा रफ़ वर्क है, ठीक है ना, ये सब रफ़ वर्क है ये जो तक किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए डी पार्ट, डी पार्ट में देखो हम सॉल्व वहीं से करते हैं जिस लाइन पे दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ 320 या 120, ठीक है ना, बीच में माइनस लगा है इस लाइन पे, तो क्या है टू नंबर लिखे हुए हैं ये वाली लाइन पे, ठीक। इस अगर इधर से चलेंगे तो इधर भी टू नंबर है, लेकिन अगर इधर से इजी है, ठीक है ना, तो 320 में 120 क्या कर दें, माइनस करेंगे, तो इस वाला सर्कल का आंसर आ जाएगा। तो 320 में 120 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर दिया, तो इस तरीके 0, फिर 2 में 2 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना आंसर आएगा, 200। तो इस सर्कल के अंदर 200 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये 320 ही था ना, आंसर ही 320 ही आया, मतलब जो ये सेम आया है और सेम नंबर से ही यहाँ पे प्लस हुआ होगा, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 200। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 200, ये मेंटली सॉल्व होगा। तो ये मेंटल मैथ है, इसको इजी से एक एक आंसर निकाल लिया, दूसरा उतना ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके हम आज की एक्सरसाइज में ये मेंटली सॉल्व करेंगे। ओके, आगे फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।